गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बीएड सेकंड ईयर का टॉपिक पढ़ेंगे जिसके अंदर जो सेकंड यूनिट है जिसके अंदर कार्यों के प्रकार काइंड ऑफ टास्क के बारे में पढ़ेंगे। हम हमारे पास क्या होता है कि जब हम क्लास के अंदर एक या दो से अधिक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो उनकी लर्निंग आउटकम्स को देखने के लिए हम डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज़ का यूज़ करते हैं। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम काफ़ी तरह के टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ करते हैं बच्चों के लर्निंग आउटकम्स को देखने के लिए कि बच्चों के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए। उसके लिए जैसे कि हम ऑब्जर्वेशन यूज़ करते हैं, असाइनमेंट्स देख के हम उनकी लर्निंग आउटकम्स को देख सकते हैं, प्रोजेक्ट दे सकते हैं, या फिर उनकी परफॉर्मेंस बेस्ड एक्टिविटीज़ को देख के हम उनके लर्निंग आउटकम्स का आकलन कर सकते हैं, मतलब इवेल्युएट कर सकते हैं, मतलब असेस कर सकते हैं उनकी लर्निंग आउटकम्स को। हमारे पास काइंड ऑफ टास्क में तीन प्रकार के कार्य हैं जो हम कर सकते हैं बच्चों का आकलन करने के लिए। सब हम इनको वन बाय वन अच्छे से समझेंगे। फर्स्ट है इनके अंदर असाइनमेंट्स, जिनको हम हिंदी में अधिन्यास बोलते हैं। असाइनमेंट का मीनिंग क्या होता है कि अगर हमने बच्चे को कुछ भी टॉपिक पढ़ाया तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को ऐसे टाइप क्वेश्चन दे सकते हैं और उनको कह सकते हैं कि आप इनको डिटेल में लिखिए। मींस असाइनमेंट जैसे कि हमारे बच्चों के भी असाइनमेंट आते हैं तो हम उसमें क्या होता है कि अगर हम बच्चों को ऐसे टाइप क्वेश्चन दे दें और उनको कहें कि इन ऐसे टाइप क्वेश्चन को आप डिटेल में लिखिए, डेप्थ में लिखिए, तो इस तरह से हम उनके लर्निंग आउटकम्स का क्या कर सकते हैं, इवैल्यूएशन कर सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं। दूसरा हम इसके अंदर क्या सकते हैं, हम बच्चों को कुछ प्रैक्टिकल टास्क दे सकते हैं और इसके प्रैक्टिकल टास्क देने के बाद हम उनको कह सकते हैं कि आप इनकी डेली की लाइफ में जो इनकी एप्लीकेशन है और अपने एक्सपीरियंसेस और इनके प्रिंसिपल्स जो भी आपने यूज़ किए, आप इनको एक नोटबुक के अंदर इनके नोट्स बनाकर आप हमें सबमिट कर सकते हैं। तीसरा हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं कि बच्चों को को करिकुलर एरिया से रिलेटेड जो भी है उनको सेल्फ स्टडी करने के लिए दे सकते हैं और उनको कह सकते हैं कि आप सेल्फ स्टडी करके और अपने जो भी एक्सपीरियंसेस है वो शेयर कीजिए और हमें असाइनमेंट बना के दीजिए, जिससे क्या होगा कि हम इस विधि से बच्चों की प्रॉपर असेसमेंट कर सकते हैं। उसके बाद है दूसरा प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि में हिंदी में बोलते हैं इसे प्रयोजन विधि। प्रोजेक्ट विधि सबसे ज़्यादा यूज इस प्रोजेक्ट विधि का साइंस स्टूडेंट्स के लिए होता है। वैसे नॉर्मली हम किसी भी फील्ड में इसका यूज़ कर सकते हैं। प्रोजेक्ट का मीनिंग क्या होता है, एन एक्ट और एक्टिविटी फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। इसके अंदर क्या कर सकते हैं कि अगर हम कोई भी एक प्रॉब्लमेटिक एक्ट ले लें, प्रॉब्लम ले लें, तो उसका हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं थ्रू प्रोजेक्ट विधि। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो हमने किसी एक बच्चे को या ग्रुप में हम उनको प्रोजेक्ट दे देते हैं, प्रोजेक्ट मीन्स एक टॉपिक दे देंगे, तो आपने क्या मीन्स उनको ये कह सकते हैं कि आपने क्या करना है कि आपने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके देनी है, जिससे कि उन्हें उनकी लर्निंग आउटकम का हम क्या कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं। इसके अंदर जैसे कि हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, हमने बच्चों को कोई भी टॉपिक दे दिया, उदाहरण के लिए हम बच्चों को एक टॉपिक दे देते हैं एक सहकारी बैंक चलाना, और उनसे संबंधित हम क्या कर सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि जितने भी आप डिटेल्स होंगे वो आपने नोट करनी है और प्रोजेक्ट बनाना है। इसके अंदर क्या होगा, जैसे मान लो अगर हमने उनको एक टॉपिक दिया एक सहकारी बैंक चलाना, तो आप ये देखिए कि उससे वो क्या समझेंगे, उससे वो मैथ से रिलेटेड सारे टॉपिक कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम्स जितने भी उसमें प्रिंसिपल्स हैं उन सभी का यूज़ करेंगे। जैसे कि मान लो मैथ के अंदर न्यूमरल्स का यूज़ करेंगे, नंबर्स का यूज़ करेंगे, उनको एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होंगे और वो डेली लाइफ में इनका यूज़ करेंगे, जिससे कि उनकी हम अंडरस्टैंडिंग, उनकी स्किल, उनकी एप्लीकेशन डेली लाइफ में वो किस तरह से उसे अप्लाई करते हैं, उनकी नॉलेज, हर एक चीज़ को चेक कर सकते हैं, हर एक चीज़ का उनका हम आकलन कर सकते हैं थ्रू प्रोजेक्ट विधि। ये एक बहुत अच्छी विधि है, प्रोजेक्ट विधि एक बहुत अच्छी विधि है बच्चों का अच्छे से थ्रू आउट उनका असेसमेंट करने के लिए। लास्ट है थर्ड वन इज परफॉर्मेंस बेस्ड एक्टिविटी, जिसको बोलते हैं शक्ति आधारित गतिविधियाँ। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, डेली लाइफ में हम उनको
मतलब जैसे कि क्लास के अंदर उनकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, उनकी लर्निंग आउटकम्स को चेक करने के लिए हम उनको डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज दे सकते हैं, जिससे कि उनके उनकी जो भी उनकी गति उनके आउटकम्स होंगे उसका हम क्या कर सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट गतिविधियां डिफरेंट एक्टिविटीज यूज कर सकते हैं। जैसे कि विद्यार्थियों को हम क्या कर सकते हैं, एक कहानी की एक स्टोरी की आउटलाइन दे दीजिए, जिससे कि वो हम उसको आउटलाइन देके उसको ये कह सकते हैं कि आप इस कहानी को पूरा करके दिखाइए, उससे उसकी परफॉर्मेंस अच्छे से चेक हो सकती है। दूसरा कि हम उसको एक मैप देकर ये कह सकते हैं कि आप इस मैप के अंदर आप एक मैप के अंदर इस तरह से भारत एक भारतवर्ष का एक मानचित्र या अन्य किसी राज्य का मानचित्र बना लें, फिर उसमें उस राज्य की फसलें उपज खनिज पदार्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कह सकते हैं। तीसरा उसमें क्या कर सकते हैं, विद्यार्थियों को कुछ एक अपूर्ण रेखा चित्र देकर उस चित्र की आकृति को पूरा करने के लिए कह सकते हैं, जैसे मीन्स अधूरा कोई भी चित्र दे दिया और उसको पूरा करने के लिए कह सकते हैं। फोर्थ हम क्या कर सकते हैं, विद्यार्थियों से वैज्ञानिक तथ्यों के अवबोध और अनुप्रयोग से संबंधित प्रयोग और दृष्टांत प्रदर्शित करने के लिए कह सकते हैं। और फिफ्थ ऐतिहासिक घटनाओं जैसे भारत में स्वतंत्र युद्ध, अकबर की विजय एवं राज्य आदि के लिए समय रेखा चित्र बनवाकर उसमें घटनाक्रम प्रदर्शित करना। जी जैसे कि हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, बच्चों को डिफरेंट किसी भी तरह की कोई भी कोकरिकुलर एक्टिविटीज करवा सकते हैं और उनकी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास बच्चे की टोटली जो भी होगी वो एक्टिविटीज सामने आएंगी और उनकी पूरी असेसमेंट हो सकेगी। इसके अंदर हम कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मान लो हम एक प्ले रखवा सकते हैं, हम ड्रामेटिक्स करवा सकते हैं, हम एक क्विज करवा सकते हैं, हम पजल्स रखवा सकते हैं, जिससे कि बच्चे की परफॉर्मेंस का हमें अच्छे से पता चलेगा। तो इससे क्या होगा, बच्चे की पूरी तरह से असेसमेंट होगी। मैं इस लेक्चर में ये बताना चाह रही थी कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क में बच्चे की असेसमेंट कर सकते हैं। हम इन तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, चाहे असाइनमेंट, चाहे प्रोजेक्ट, चाहे परफॉर्मेंस बेस्ड एक्टिविटीज। ऑल आर बेस्ट इन सभी में, पर सबसे ज्यादा बेस्ट जो है वो है प्रोजेक्ट विधि। इससे क्या होगा, बच्चों का पूरी तरह से हमारे पास आकलन हो सकेगा। धन्यवाद, थैंक यू बच्चों।